शिव कुमार सिंह माननीय अतिथि को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बेगूसराय मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के केशावे पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मां के नाम से नवनिर्मित माता परमेश्वरी देवी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन संघ विचारक और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने फीता काट कर किया, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित नहीं थे। इस अवसर पर सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पूरे समाज का होता है, ये खंडित नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए, बल्कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने अपने गांव से जन सहयोग से अस्पताल और स्कूल की स्थापना करें। वहीं उन्होंने उद्घाटन समारोह के दौरान सरकार के जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यदि ये सूचना मिलती है तो सबसे अधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे समाज का होता है, वो विखंडित नहीं होता है, वो खंडित नहीं होता है। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में जो लोग भी प्रयास करते हैं, एक समय था कि भारत में परंपरा थी, जिन लोगों के पास संपन्नता थी वे स्वास्थ्य शिक्षा को के क्षेत्र में काम करते थे, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं गोपाल जी और उनके परिवार के लोग। इसलिए मैं इनके पूरे परिवार का अभिनंदन करता हूँ और मुझे लगता है कि इसमें हर किसी को सहयोग करना चाहिए, बल्कि इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सब भी अपने अपने गाँव में सहयोग करके अस्पताल और स्कूलों की स्थापना करें। जहाँ स्वास्थ्य और चिकित्सा स्वास्थ्य की बात होती है, यह राजनीति से ऊपर का सवाल होता है। मुझे लगता है कि प्रशासन क्यों नहीं इसमें सहयोग कर रही है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य में यदि हम राजनीति को लाएंगे तो फिर हम मानव अस्तित्व पर ही हम सवाल करेंगे। शिक्षा चेतना पैदा करती है, स्वास्थ्य हमारे अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। तो अस्तित्व और चेतना, इन्हीं दोनों से मनुष्य का समाज चलता है और इन दोनों पर राजनीति करना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए, राजनीति किस तरह से संस्कृति को विघ्न डालती है, इसका एक उदाहरण है रामचरितमानस की जो उपादेयता है भारतीय समाज के लिए, भारतीय बौद्धिकता के लिए, उस उपादेयता को कम करने की कोशिश करना, उसको विवादास्पद बनाना सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे राजनेताओं को पीढ़ियों के लिए सोचना चाहिए, वर्तमान को देखकर सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखकर, जो लोग रामचरितमानस, कल उपनिषद को, अगले दिन वेद को, यानी भारतवर्ष के अस्तित्व को यदि रामचरितमानस को हटा दिया जाए, वेद पुराण महाभारत को हटा दिया जाए, तो भारत में बचेगा क्या वही समाज। कार्यक्रम की अध्यक्षता और अतिथियों का स्वागत मुखिया गोपाल कुमार सिंह और संचालन डॉक्टर रजनीश ने किया, साथ ही धन्यवाद ज्ञापन विजय सिंह ने किया। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।